मिनी टाइगर है, फुली लोडेड एडवेंचर बाइक ये बन चुकी है। मोहब्बत की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। गुलाबी नगर जयपुर में करण मोटोमार्ट वाले हमारे भैया, और यहाँ देखो आप चारों तरफ जैकेट, हेलमेट, शूज सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो अभी तो अपन चाय की चुस्की ले रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:38। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ जयपुर। जयपुर जाने का एक छोटा सा रीज़न है, छोटा सा नहीं है, बड़ा है, रीज़न बड़ा है, तो वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। आज मैं अपनी लाड़ों से नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूं और दो भाई और जा रहे हैं, उनको मैं आपको रास्ते में मिलाऊंगा। तो चलिए अभी यहां से निकलते हैं चाय की चुस्की का आनंद लेकर, और फिर मिलता हूं सीधा मैं आपको बाइक पे। देख रहे हो आप, ये जाली के बाहर है। मैं हैदर से कह रहा हूं, तू ही एकमात्र गवाह है मेरे जयपुर जाने का, बाकी सभी सो रहे हैं, सिर्फ ये जग जाता है टाइम से, मैं जग जाता हूँ टाइम से। देखो ये जाली का गेट है ना, ये जाली का गेट देख रहे हो आप, इसके पीछे है ये, मैं इसको छत पे छोड़ देता हूँ सुबह मॉर्निंग में, ऊपर खूब धमाचौकड़ी मचा लेता है ये, अंदर तो फिर ये कुछ करने नहीं देता है, इसलिए ये इसके बाहर है। तो बाय बाय हैदर, तो लेट गया, अब लेट गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट गया। इसको अंदर लाऊंगा ना तो ये फिर लटक जाएगा, सारे कपड़ों की बैंड बजा देगा। तो अब चलिए यहाँ से निकलते हैं, फ़ोन आ चुका है, बज गया बाजा। तो हरेंद्र भाई साहब ने हमको सारा चौराहे से पिक कर लिया था, और सारा चौराहे से मैं हरेंद्र भाई साहब के संग सेवर आ गया हूँ। सेवर पे युधिष्ठिर भाई साहब हमको मिल गए हैं। तो मैं, युधिष्ठिर भाई साहब और हरेंद्र जा रहे हैं जयपुर, और थोड़ा सा दिन निकले आएगा, बाकी की बातें तभी करेंगे। और मैं आज अपनी लाड़ों से नहीं जा रहा हूं, जैसे मैं ऑलरेडी बताया था, आज मैं युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक को चला रहा हूं। और पेट्रोल हो गया 120.70 रुपये, और नॉर्मल है 116.89 रुपये। बढ़िया है, बढ़िया है जी, बढ़िया है। गाड़ी चलाना हो गया महंगा। राम राम भाई साहब, पंडित जी महाराज, राम राम। तो लो जी, हम आ गए पंडित जी की शॉप पे, और पंडित जी की शॉप पे हम चाय पीएंगे, कुल्हड़वाली कुल्हड़ वाली चाय शानदार, मस्त, ज़बरदस्त, वो पीऊँगा मैं दो कुल्हड़, और कचौड़ी खाते हैं। और अब हम थोड़ी सी बाइक चलाएंगे, क्योंकि मैंने युधिष्ठिर भाई साहब कह दिया आप थोड़ा सा दिन निकले आए, हमारा गोप्रो पे आप रिकॉर्डिंग होगी बढ़िया, तो थोड़ी सी बात अब करेंगे, पहले यहाँ से कचौड़ी खाते हैं और निकलते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा है सिंह_धर्मेंद्रा, लास्ट में डबल ए है, SIGH DHERMENDRA। बाजे बज रहे हैं ट्रक वाले के, यहाँ पर ट्रक जितने भी चलते हैं ना, सब में धुआंधार बाजे बजते हैं, तो ब्लॉगिंग ऐसी चल रही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो चलिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, रील वहीं डालता हूँ, अपडेट वहीं रहता हूँ। हमारे युधिष्ठिर भाई साहब कचौड़ी ले आए हमारे लिए, थैंक यू युधिष्ठिर भाई साहब, कचौड़ी के लिए इनको धन्यवाद, और कचौड़ी देगा। हाय, ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब। हमको कोई काम नहीं है जयपुर में, लेकिन हम यारों के संग जाना जानते हैं, टाइम निकालना जानते हैं। यारों के संग जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती है और मज़े आते हैं। दोस्ती निभाना बहुत ज़रूरी है। वो अगर जहाँ जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, तो आप समझो, उनकी भावनाओं को समझो, कदर करो। जयपुर जयपुर जयपुर, हमारे युधिष्ठिर भाई साहब बैठा लिए हमने जयपुर के लिए। लेट्स गो। दो दो कचौड़ी भाई साहब ने खाई ढाई, और हमने खाई डेढ़। तो बहुत ही खूबसूरत धुंध होने लग गई है, जैसे जैसे अब सीधी गर्मी सर्दी आ रही है ना, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चिल हो गया है। तो चलिए अब सीधा यहाँ चलते हैं, और एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे रास्ते में, फिर उसके बाद सीधा लगाएंगे जयपुर करण मोटो मार्ट जी। तो हमने एक रास्ते में ब्रेक ले लिया है 7-8 किलोमीटर पहले दौसा में, और ड्रोन उड़ाते हैं, कुछ ड्रोन शॉट लेते हैं, और मैं अभी आपको ब्लॉग में डाल रहा हूँ। हम चाय पीते हैं, आप ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए, फिर निकलते हैं सीधा जयपुर में। बाय।
अभी इस पर काम चल रहा है, यहाँ पर ये टूल वगैरह के लिए बन रहा है। भविष्य में बहुत ही शानदार रहेगा ये मुंबई दिल्ली, क्या बात है। तो लो जी, हम आ गए हैं करण मोटो मार्ट पे और करण भैया से बोल दिया है, सामान निकाल रहे हैं। जो निकाल रहे हैं वो तो क्या दिखाऊंगा आपको, जब लग जाएंगी उसके बाद दिखाऊंगा। सामान निकल रहा है, क्रैश कार्ड वगैरह और पेनियर वेनियर सब निकलते जा रहे हैं, तो लग जाने दो, उसके बाद दिखाएंगे जब थोड़ा थोड़ा। अभी तो बहुत सारा सामान लेना है, लिस्ट बड़ी लंबी है, दिन एक है, दो बाइक है, कोशिश करते हैं जितनी जल्दी जितना काम हो सके। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट होने दीजिए। अब ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, फोकस भाई साहब यार। भीड़ भाड़ हो गई है, सामान निकल नहीं रहा। निकालेंगे सामान घर में रखो सामान, तू तो साल साल बर्बाद। एक साल पहले लेदर शू खरीद के लाए, खो दिए, आपके बोतल होल्डर ढूंढ रहे और लेदर शू मिल गए बोतल होल्डर के संग, और खरीद लाए दोबारा। ये भाई साहब जो कह रहे मैं निकालूँ सामान, अपने सामान की चिंता करो। हाँ, युधिष्ठिर भाई साहब कह रहे हैं बैठने की जुगाड़ ना है। मैं इनकी दुकानदार बैठने की जुगाड़ नहीं रखता है, क्यों नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो बैठने की जुगाड़ रखेगा तो वो भी फ्री, आप भी फ्री, बैठ के रिलैक्स। और अगर मान लो नहीं रखता है तो आपके पैरों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा तो आप इनमें दर्द करोगे, तो आपका काम भी जल्दी होगा, सामान जब ही जल्दी निकलेगा जब खड़े रहोगे, दर्द महसूस करोगे तो दर्द दोगे, ये बात लगे रहो। इसे कहते हैं मेहनत करना। भाई साहब लगे हुए हैं हमारे मेहनत करने के लिए, इनके काम थोड़ी मार्ट आओगे तो आपको काम करना पड़ेगा जब ये आपका काम होगा। हमारे युधिष्ठिर भाई साहब लगवा रहे हैं बोवो कंपनी का, ये वायरलेस चार्जर है एक्चुअली। अब देख दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से है चार्जिंग, चार्जिंग चालू हो गई है। प्राइस करण मोटो मार्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, तो इनसे आप पूछ लेना, 1 ईयर वारंटी में है, वो कंपनी का है, क्वालिटी वाइज अच्छा है इसका। मेरे पे गोप्रो माउंट है, मेरे हैंडल पे लगा हुआ है, वो भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। और दोबारा एक बार दिखाता हूँ, ये है, आप इसको इस तरीके से लगाओ और थोड़ा सा वायर कहीं नहीं लग रहा है, वायर कहीं नहीं लग रहा है लगाते ही, और चार्जिंग चालू। अच्छा प्रोडक्ट है, इसको युधिष्ठिर भाई साहब लगवा रहे हैं। टाइम हो गया 12:15, बाइक में काम चालू है, चाय आ गई है, चाय का लुफ्त उठा रहे हैं, और लग रहा है धीरे धीरे काम चल रहा है, सामान निकलवाते जा रहे हैं, डलवाते जा रहे हैं, लगवाते जा रहे हैं। एक्चुअली अभी दोनों बाइक्स में काम चल रहा है। ये हमारे करण भैया लग रहे हैं बाइक में, ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक, काम चल रहा है इसमें, और ये हमारे हरिंदर भाई साहब, ये इनकी बाइक BS6 मॉडल, ये BS6 मॉडल है, ये BS4 मॉडल है, और ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब। जो मैंने अभी बाइक की आवाज़ आपको सुनाई, ये दोनों भाई अजमेर से थे, करण मोटोमार्ट पर अजमेर से काम कराने आए। आप समझो इनकी वैल्यू, इनकी रिलायबिलिटी, इनका विश्वास कितना फैला हुआ है। बाइक में बहुत शानदार काम किया, एक कॉन्टिनेंटल GT थी और एक इंटरसेप्टर थी, बाइकों में काफ़ी काम कराया इन्होंने, और सेटिस्फैक्शन 100% मिलेगा आपको करण मोटोमार्ट पर अगर आप काम कराते हो। मैंने बाइक की आवाज़ आपको सुनाई, मस्त आवाज़ थी, हमारे युधिष्ठिर भाई साहब का दिल आ गया। युधिष्ठिर भाई साहब कैसी लगी आपको बाइक की आवाज़? टॉप A1 टॉप। अब हमारे भाई साहब कह रहे हैं ऐसे ही साइलेंसर करवा लूंगा मैं हिमालयन का। मोहब्बत की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, गुलाबी नगर जयपुर में, करण मोटोमार्ट वाले हमारे भैया। और यहाँ देखो आप चारों तरफ जैकेट, हेलमेट, शूज सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो अभी हरिंदर भाई साहब के लिए जैकेट, पैंट, शूज, ग्लव्स और हेलमेट। अब ये लंबा चौड़ा सिर दर्द का काम है, उसको पूरा कर रहे हैं। तो हमारे हरिंदर भाई साहब को MT का हेलमेट पसंद आ गया है। अब इसकी कलर चॉइस देखी जा रही है, कलर चॉइस देखने में सारा ये देखना पड़ेगा कि आपका बाइक का कलर कौन सा है, प्लस आपकी राइडिंग गियर कौन से कलर के हैं, उस हिसाब से हेलमेट का कलर चूज़ होना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होने पर अच्छा लुकिंग आता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी के MT का हेलमेट जो दिखाया है वो फ़िलहाल ये देखा है भाई साहब ने हमारे ने, और बाकी के अभी 5-7 कलर और हैं वो मंगाए जा रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे फिर कौन सा लेना है।
ले हम एम्प्टी कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी कंफर्ट फील कर रहे हैं। बैल का मेरे पास है और एम्प्टी का अब हरिंदर भाई साहब को दिलाते हैं। तो अब आप वैरायटी देखो, एम्प्टी हेलमेट में कितने कलर दिखा दिए हैं हमारे भैया ने। ये कलर ये हेलमेट आपका है, इसने भाई साहब के पास रखा है। ये कलर है ना, वैरायटी पूरी है भाई, प्राइस भी शानदार है, वैरायटी पूरी है। फिर बोल रहा हूँ मैं, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, कुछ भी लो पहले पसंद करो। और अच्छा, सबसे बढ़िया बात, ऑल ओवर इंडिया COD अवेलेबल है इनके यहाँ। ये मैं पहले बता रहा हूँ, एक बार बात कर लेना कन्फर्म। शिपिंग फ्री है और COD अवेलेबल है, COD पॉसिबल है। क्या बात है। और वैरायटी आप देख लो, वैरायटी देख लो आप, सारे हैं। बेल है और आपका एम्प्टी है, बेल है, एम्प्टी है और सारे सब कुछ मिलेगा। मेरे तो नाम भी याद नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको रिजनेबल प्राइस पे। आप कहीं भी ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। और हमारे हरिंदर भैया हेलमेट पसंद कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, बढ़िया है। देखिए पसंद चल रही है, चलने तो फिर इनको दूल्हा बना के फिर दिखाता हूँ आपको। तो अभी जो हरिंदर भैया ने पसंद किया है रायनोस के पैंट जैकेट, उसके बारे में भैया थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है। भैया तो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, इसमें क्या रिफ्लेक्टिंग पार्ट काफी चल, नाइट राइड जो बंदे करते हैं उनके लिए बेस्ट जैकेट आपका ये जी। और उसमें ना आपका नॉक्स के लेवल 2 गार्ड है जी, जो कि बैक स्पाइन पे शोल्डर पे एलो पे प्लस चेस्ट पे गार्ड दे रखा है जी, प्लस शोल्डर पे इसमें आउटर पे टाइटेनियम गार्ड दे रखा है आपका जी। और पैंट आपकी इसमें नॉक्स से गार्ड दे रखा है, इसमें भी आपका जो कि आपके नी पे इस पे गार्ड दे रखे है, इसमें भी आपको रिफ्लेक्टिंग पार्ट दे रखा है। जो बंदे नाइट राइड ज्यादा करते हैं या जिनको नाइट राइड का शौक है बंदों को, उनके लिए बेस्ट जैकेट है आपका ये। और वैसे लॉन्ग राइड के लिए बेस्ट से बेस्ट जैकेट आपका बिल्कुल अच्छा। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने, एक चीज मैंने देखी आपको, जैसे अभी फिलहाल ये नॉर्मल दिख रही है ना, ये लाइट पड़ते ही इस पे ये बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, तो रात को चारों तरफ से जहाँ भी ये पार्ट है, आप पीछे भी देखोगे इसमें, तो पीछे भी ये सारा जितना भी पार्ट है ना, ये वाला सारा ये साइडों में ये सब वाइट हो जाता है, तो ये नाइट के लिए बहुत ही शानदार है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ भैया, लाइट डालेंगे इस पे और देखना देखो ना। अब ये देखो, आपको मोबाइल में दिख रहा होगा, ये ऑन करो, सॉरी ये मोबाइल में वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट दिख रहा है जी। और अब इसको जितना भी पार्ट दे रखे हैं पूरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है आपका, ये वाइट हो जाता है। अब ये देखो आप दोनों फर्क दिखे, हाँ अब ठीक है, अभी आप दोनों फर्क देख सकते हो, ये उस पर नहीं दिख रहा है, जबकि आप इस फोटो में देखोगे ना तो ये सारा वाइट हो चुका है, आपको नहीं दिख रहा, सामने दिख रहा है बिल्कुल। तो बात यही है, नाइट के लिए बहुत सेफ्टी पॉइंट से ये जैकेट बहुत ही शानदार है, विजिबल है और जैकेटों के मुकाबले, तो ये हमने पसंद कर दिया है। लुक भी काफी स्मार्ट लुक दिख ही रहा है आपको, और हेलमेट की मैचिंग भी उसी से करवा दी है, तो अब ये राजा हिंदुस्तानी बन चुके हैं। अब इनका खाली रह गया है शूज, शूज और पसंद करवा देते हैं, फिर मजे से इनको राइड करवाएंगे, अभी तैयार कर लेते हैं इनको। चलो, कंफर्टेबल है, सेफ्टी पॉइंट से अच्छा है, इसमें देखो स्टील का दे रखा कोई है, जो आपके सेफ्टी पॉइंट अच्छा होता है, आपको यहाँ अच्छे खासे गार्ड दे रखे हैं आपके। एक आपका ये बूट है आपका ओराजो का, स्टार्टिंग रेंज है आपका ये, इससे काफी हैवी बूट आपका, ये वाला बूट आपका। बूट पसंद किए जा रहे हैं, दो तरीके के बूट अभी दिखाए हैं हरिंदर भाई साहब को, दोनों तरीके के बूट पहना के दिखा रहे हैं भैया, पसंद जो आएगा वो ले लेंगे और फिर बाद में बता दूंगा मैं आपको कौन से बूट पसंद है। ओराजो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, अच्छे बूट है, मेरे को करीब 2-3 लॉन्ग राइड कर चुका हूँ और अब तक कोई दिक्कत नहीं है बूट्स में ओराजो के, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो हरिंदर भैया के लिए ओराजो की जगह हमने ये वाला शूज ले लिया है, जिसमें कंफर्ट तो वास्तव में काफ़ी अच्छा है, प्राइस मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, बात कर लेना। रेट वगैरह थोड़ी सी वेरिएशन रहता है ना, एक्चुअली आज हम कुछ ले रहे हैं, 4 दिन बाद आप कुछ और पूछो, डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी किस हिसाब से। बाकी का सेफ्टी पर्पज से जूता बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो एंकल होती है ना, एंकल पर भी गार्ड है और ये भी गार्ड है, तो काफ़ी अच्छा जूता। एक्चुअली अब ये चीज़ फाइनल हो चुकी है, अब नीचे चलते हैं सीधा बाइक पर और फिर देखते हैं बाइक में क्या काम हो रहा है। तो भाई लोगों, बज गए हैं 5:26 और इवनिंग हो चुकी है, काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी लग रहे हैं हम यहाँ पर, और हमारे भैया ने हमारे लिए खाना मंगा दिया है, खा लेते हैं क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, भूखे हैं सुबह से। तो हमारे भाई साहब हैं राजेश भैया, हमारे लिए लाए हैं पराठे, 2-2 1-1 पराठे खा लेते हैं और सब्जी के संग, टोटली सेटिस्फैक्शन है। सुबह से बाकायदा रेगुलर लगे हुए हैं 2-3 जने और लगातार धुआंधार काम हो रहा है, काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम था, फिर भी आज कंप्लीट हो जाएगा, ये अच्छी बात है।
तो लो जी हम हो गए हैं फ्री और अभी टाइम हो रहा है 9:55। जी हाँ 10 बज चुके हैं और आज हमको करण भैया ने पकड़ के रखा है और करण भैया का छोटा सा बेटा है, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कितना प्यारा सा। सबको हेलो बोल दो आप एक बार। हेलो नहीं बोलेगा, बहुत छोटा है, हेलो हाय भी नहीं बोलता है। और बाइक हो चुकी है हमारी रेडी और इतनी औसम लग रही है हरेंद्र भैया की बाइक, बस पूछो मत, देखने दिखाने लायक है। और मिनी ट्रम्प मिनी टाइगर बाइक जिसको उसको बोलता हूँ, वो वास्तव में अब लग रही है देखने के लिए। एक बार बाइक को दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो लो जी ये है फुली लोडेड रॉयल इनफील्ड हिमालयन PS6 मॉडल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक में क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें एक तो ये लगा है हेड लाइट, दो जैना का है, नीचे भी फॉग लाइट लगी है, ऊपर भी फॉग लाइट लगी है, जेरी कैन लगवाया है एक्स्ट्रा पेट्रोल लगाने के लिए, नकल गार्ड लगवाए हैं जिसमें लाइट भी है, और ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ विंडशील्ड है ये लगवाई हुई है। इसके अलावा मोबाइल माउंट है, ये मोबाइल होटल माउंट है। इसके अलावा एक तो ये GoPro का माउंट है, ये वाला GoPro का माउंट है। इसके अलावा एक वायरलेस चार्जर है ये, और ये भी लगाया है वोवो कंपनी का। इसके अलावा राइनॉक्स का बैग खरीदा है। इसके अलावा ये है पैनियर्स हैं, टॉप बॉक्स है, और राणा कंपनी का ही क्रैश गार्ड है, और ये है क्रॉसपैड कंपनी के फुट बैग हैं। तो ये है बाइक, इसका लुक शानदार है, बाइक एकदम अब मिनी टाइगर है, फुली लोडेड एडवेंचर बाइक ये बन चुकी है। अब आप इससे लंबी यात्रा कर सकते हो। जी हाँ प्लान है, आगे पता चलेगा कहाँ जाते हैं। अभी डिसाइडेड है लगभग 99% विंटर स्कूटी का, जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि मैं बताऊंगा। विंटर स्कूटी हम करेंगे दिसंबर में, टूर प्लान है, बाकी का ऊपर वाला जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे। तो फिलहाल करण मोटो मार्ट्स के लिए धन्यवाद, उन्होंने इस बाइक को फुली लोडेड बना दिया है। बाकी पैनियर, अच्छा मैं पैनियर के बारे में दोबारा बता देता हूँ, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर डाल दूंगा, उसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ। 26 लीटर के जो आते हैं वो रॉयल इनफील्ड के होते हैं, ये 38 लीटर में है, और ये टॉप बॉक्स है 42 का, ये टॉप बॉक्स है। जो रॉयल इनफील्ड का तो नहीं आता है, लेकिन ये आपको करण मोटो मार्ट में मिलेगा। इसमें सिल्वर कलर का ऑप्शन भी है और ब्लैक कलर का ऑप्शन भी है। इसके अलावा आप डिस्प्ले में लिंक जो मैं डालूंगा उस पर देख लो, इसके अंदर कुशनिंग भी हो रही है जो आपको थोड़ा सा शॉक प्रूफ करेगी, आप सामान आपका सुरक्षित रहेगा, दी बेस्ट ऑप्शन। बाकी बाइक आपके सामने सुंदर शानदार बिंदास लग रही है, और ये फुली लोडेड बाइक